देखिए, परिपक्वता होनी चाहिए। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो राजनीति से परे होते हैं, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, जहां तक कोरोना जैसे महामारी की बात है, इन्हें हमें राजनीति से ऊपर रखना चाहिए। हर विषय में राजनीति को नहीं लाना है। जब वैक्सीन बनती है या कितने लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, तो बहुत सारी बातों को देखना पड़ता है। मैंने 24 साल तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में काम किया है। गवर्नेंस इज अ वेरी सीरियस मैटर। हमें अपनी अपनी सीमाओं को देखना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि हम किस कैटेगरी के लोगों को बेहतरीन ढंग से पहले दे दें, पहले पर्याय में दे दें। पहला पर्याय नहीं, लेकिन एक बात तो है, देरी तो हुई है अपराजिता जी। ऐसा नहीं है कि आप पे सवाल नहीं है, सवाल आप पे है। राहुल गांधी का सवाल नहीं है, लेकिन जनता का सवाल, राहुल गांधी का सवाल आप ना लें। हो सकता है विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर मैं आता हूं। मैम, मैंने कुछ सवाल पूछे हैं लोगों से, वो सवाल दिखा दूं, फिर आपके पास आता हूं। आप ही लोगों से ज्यादा मौका दूंगा। मुझे लगता है आप लोगों को ज्यादा अपनी स्थिति क्लियर करनी है, आप लोगों को ज्यादा बोलना है। देखिए, तीसरा सवाल अब आपको टीवी एन भारतवर्ष के सर्वे में पूछे गए तीसरे सवाल की तरफ लेकर चलते हैं। हमने तीसरा सवाल जो पूछा था उसका क्या जवाब मिला है ये आप समझिए। आप अपने बच्चे को टीका कब लगवाना चाहते हैं, ये हमने एक तीसरा सवाल पूछा था। ऑप्शन क्या थे? 3 जनवरी के तुरंत बाद, दूसरे बच्चों को लगाने के बाद, और अभी तय नहीं किया। क्या कह रहे हैं लोग ये समझिए। 67% लोगों ने कहा है कि वो 3 जनवरी के तुरंत बाद बच्चों को टीका लगवाना चाहते हैं, यानी यहां भी मेजॉरिटी कह रही है कि जैसे ही टीकाकरण शुरू होगा हम लगवाएंगे। 8% लोगों ने कहा कि वो दूसरे बच्चों को लगने के बाद अपने बच्चों को टीका लगवाएंगे। वहीं 25% लोगों ने कहा है कि उन्होंने अभी तय नहीं किया है कि वो अपने बच्चों को टीका कब लगवाएंगे। ये जरा इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर, देश में ज्यादातर लोग जल्द से जल्द बच्चों का टीका लगवाएंगे ये वो मानते हैं। टीवी नंद भारतवर्ष के सर्वे में बच्चों के वैक्सीनेशन का ज्यादातर लोगों ने स्वागत किया है और वो कह रहे हैं कि जैसे ही टीकाकरण शुरू होगा 3 जनवरी से वो अपने बच्चों को टीका लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे। 67% लोग ऐसे हैं हमारे सर्वे में जिन्होंने ये माना। और चौथा सवाल हमने अपने सर्वे में चौथा सवाल पूछा था कि आपके मन में बच्चों की वैक्सीन को लेकर क्या कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई आपके मन में दुविधा है। हमने उसमें हां, नहीं और तय नहीं किया, ये 3 आपको ऑप्शन दिए। इसके जवाब में 32% लोगों ने कहा है कि उन्हें बच्चों की वैक्सीन को लेकर संशय है। 65% लोगों ने कहा कि उन्हें बच्चों की वैक्सीन को लेकर कोई संशय नहीं है, जबकि 3% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है। तो यहां पर देखिए, 32% लोग ऐसे हैं जो मान रहे हैं कि संशय है, लेकिन अधिकतर पेरेंट्स में संशय नहीं है, ये इस सर्वे में निकलकर सामने आ रहा है। 65% लोग ये कह रहे हैं कि उनको बच्चों की वैक्सीन पर कोई संशय नहीं है। अपराजिता जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन संशय 32% भी लोगों में है तो बहुत बड़ा नंबर है। और ये संशय केवल बच्चों को लेकर ही नहीं, बड़ों में भी संशय दिख रहा है, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट डोज और सिंगल डोज का जो अंतर है वो काफी बड़ा है, तो ये संशय क्यों नहीं मिट रहा? हम लोगों ने अभी तक 141 करोड़ डोजेस लगा दिए, आप सबको ज्ञात है। 61% ऐसे लोग हैं जिन्हें दोनों डोजेस मिल चुके हैं और 90% ऐसे लोग हैं, वयस्क हैं, जिनको हम लोगों ने एक डोज दिया है, सिंगल डोज काम चल रहा है। ये लॉजिस्टिक्स का सवाल है, ये हमें समझना होगा। मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, गवर्नेंस इज अ सीरियस मैटर, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ मेच्योरिटी। और सिर्फ घोषणा पत्र जारी करने से नहीं होता या घोषणा करने से नहीं होता है, बहुत सारी बातें हैं। हमें वैक्सीन की अवेलेबिलिटी पर ध्यान देना है, हमें ट्रांसमिशन चेन का ध्यान देना है। और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई वैक्सीन आती है उसे अप्रूवल मिलता है, या कब वैक्सीन आएगी, कब से लगेगी, कैसे लगेगी, तो इसमें जो हमारे साइंटिफिक पैनल है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य मंत्रालय का जो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स वहां बैठे हैं, उनकी बातों को दृष्टि के समक्ष रखकर किसी भी तरह की निष्पत्ति, किसी भी तरह का निर्णय लिया जाता है। ठीक है अपराजिता जी, लेकिन जब आप ये बात कह रही हैं तो साधना भारती को देख के लगता है कि वो आपकी बात से सहमत नहीं है, वो मुस्कुरा रही हैं आपकी बात पे, तो मैं एक उनका भी रिएक्शन ले लेता हूँ। साधना भारती, क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नेंस का इशू है या मैच्योरिटी का इशू है? उन्होंने कह दिया कि घोषणाएं मात्र करने से कुछ नहीं होता, जबकि खुद सबसे बड़े घोषणावीर की पार्टी की प्रवक्ता है, जुमलेबाज पार्टी की प्रवक्ता है ये, तो आप समझ जाइए उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता की, इनकी घोषणाओं पे भरोसा मत करना, मगर कांग्रेस जो घोषणा करती है उसे करके दिखाती है। अब दूसरी बात मैं ये कहूंगी, इन्होंने कहा कि ये बड़ा सीरियस विषय है, तो मैडम आप तो बड़ी परिपक्व हैं, हम आपका आदर करते हैं, तो आप ये बता दीजिए, सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की श्री अरविंद सुब्रमण्यम जी की एक रिपोर्ट है, ये तो अब पढ़े लिखों का मामला हो गया, तो उस रिपोर्ट में ये लिखा है कि दूसरी लहर में
जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच देश में लगभग 30 लाख से 47 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई। आपका आंकड़ा क्या है, आप मुझे सही आंकड़ा बता देंगे? आप तो बड़ी परिपक्व है मैडम, आप बता दीजिए। और आपने मात्र सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद 4 अक्टूबर के बाद मात्र 50,000 रुपए मुआवजे की बात क्यों की, जबकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में भी अगर भारत में कोई व्यक्ति किसी आपदा में मरता है तो उसको 4 लाख रुपए मुआवजा देना बनता है सरकार का, लेकिन आपने उससे मुंह मोड़ लिया। अब आप कह रही है कि अरे हमको, हमारा काम चल रहा है। काम तो चल रहा है आपका, लेकिन काम कोरोना के लिए नहीं चल रहा, काम चल रहा है यूपी चुनाव के लिए, धड़ाधड़ रैलियां चल रही है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।